इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहां मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारे फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनब्ले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। इंडिया के बारे में मैं तो रोज सीख रहा हूं कुछ नया। क्या आपको पता है कि चंपी जो दाढ़ी काटती थी उससे बना चंपू जो जाकर बन गया शैम्पू। That's right, शैम्पू इंडिया में ही इन्वेंट हुआ। Excuse me. क्या आपको ये पता है कि ना धोकर चकाचक कमीज जो पहनते हो उसमें लगे छोटे छोटे बटन्स, ये कहां से आए बताइए? हाँ बिल्कुल सही, ये भी इंडिया में ही इन्वेंट हुए हैं। क्या बात। देखिए आज की ताजा खबर, क्या आपको पता है कि आप जो रोज सुबह दिन में और रात को कई बार 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 फ्लश यूज करते हो ना, जी हाँ टॉयलेट वाला फ्लश, वो भी भारत यानी प्राचीन इंडिया में इन्वेंट हुआ था कुछ 5000 साल पहले। इंडिया को इतना एक्सप्लोर किया है एंड आई हैव लर्न्ड सो मेनी स्टोरीज, और हर कहानी में एक ना एक चीज ऐसी मिलती गई जिसकी इन्वेंशन यहाँ इंडिया में हुई बिफोर द वर्ल्ड फाउंड आउट, जैसे कि चेस जो आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू। उस लिस्ट में जोड़ दो लंबाई नापने वाला रूलर और वजन तोलने वाले वेट्स। माना जाता है कि कैलिको और मलमल का कल्टिवेशन और बिजनेस भी इंडिया से ही शुरू हुआ। It's not just the chota mota stuff. India ke mathematics contributions ne duniya ko badal diya. Imagine agar Aryabhatta ji zero ko invent nahi karte to na banta mobile phone, na computers, na ye TV jis pe aap mujhe dekh rahe hain. You know actually school mein algebra ne mujhe bahut pareshan kiya tha. To iska reason bhi India hi hai. Arithmetic, algebra, trigonometry, the decimal, और कई सारी चीजें जिसमें मैं स्कूल में फेल होता था वो पूरी दुनिया को दिया है भारत ने। वाओ, जस्ट वाओ। This country will never cease to amaze me. India ke history ke pages mein kitne sare inventions, innovations aur creations ke chapters milte hain. Aap soch rahe honge ki kya Edward? Invention to duniya ke har desh mein hui hai. India itna special kyun hai bhai? Dekhiye. Jahan hum aaj invention shabd ko jodte hain, bade bade laboratories aur scientists ke saath, history is baat ki gawah hai. Invention happens for two reasons. Ek, imagination, aur dusra, necessity. Dono jo India mein 2 rupaye kilo ki bhav milte hain. Aur is type of imagination aur majboori se paida hue invention aur inventive spirit ko India mein kehte hain jugaad. Kya?
जुगाड़ नहीं जानते। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में साल 2015 में नया वर्ड जोड़ा गया, जुगाड़। जुगाड़ का मतलब किसी परेशानी का आसान सलूशन ढूंढ के निकालना, लाइक अ शॉर्टकट, या फिर किसी चीज को ठीक करना यूजिंग सस्ते से सस्ता माल पॉसिबल। जुगाड़ शब्द अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। ये दरअसल ठेठ ग्रामीण भाषा का शब्द है जो कि जुगत शब्द पर से आया है, और ये जुगत शब्द आया है संस्कृत के युक्त शब्द से, जिसका अर्थ मूलतः होता है जोड़ना या जोड़ लगाना। तो इस तरह युक्त शब्द से बना है जुगत, और जुगत शब्द पर से बना है जुगाड़। हम जिसे जुगाड़ कहते हैं उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों या शब्दावलियों से जाना जाता है। जैसे ब्राज़ील में इसे जेई तिन्हो कहा जाता है, चाइना में इसे जीजू चुआंगजिन कहा जाता है, केन्या में इसे जुआ काली, तो फ्रांस में इसे सिस्टमे डी नाम से जाना जाता है। जुगाड़ एक ऐसा गुण है जिसे अपनाना चाहिए, जो प्रशंसा के योग्य है और उसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। कूल ना? चलिए इस एपिसोड में मिलकर ढूंढते हैं वो छोटी छोटी चीजें जो किसी रिकॉर्ड बुक में तो नहीं आती, लेकिन जिनके बिना इंडिया चल नहीं पाती। लेट्स बी जुगाड़ू। जुगाड़ के उदाहरणों की खोज में एडवर्ड आ पहुंचे हैं गुजरात, जो कि ना सिर्फ आविष्कार का एक केंद्र माना जाता है बल्कि एडवर्ड का ससुराल भी है। इंडिपीडिया के सफर के दौरान अगर बखुदार यहाँ नहीं आते तो घर पर डांट जो पड़ जाती। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में निकले हैं एडवर्ड उस अनोखी वाहन की खोज में जिनको यहाँ पर चकड़ा के नाम से जाना जाता है। देखो मिल गया, चकड़ा मिल गया। किम जो? तो क्या जाए चे? कहाँ जाने का है आपको? Actually ये गाड़ियाँ जो बनती है वो फैक्ट्री, वहाँ लेकर चलिए। चलो बैठ जाओ। चकड़ा सौराष्ट्र की जीवन रेखा है। गुजरात के लाखों लोग प्रतिदिन इस चकड़े के माध्यम से आवाजाही करते हैं। सिर्फ 2 या 3 रुपए में लोग एक गांव से दूसरे गांव यातायात की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह देखा जाए तो आज के महंगाई के जमाने में ये एकदम सस्ता, सुलभ और कारगर जरिया है। तो आप यहाँ चकड़ा बनाते हैं? Yes. Wow. चकड़ा की फैक्ट्री है। भाई आपका नाम? गोपाल। ये गोपाल भाई की फैक्ट्री है, और भाई ऐसा लगता है कि आप अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर चकड़ा बनाते हैं। तो बताइए कैसे बनते हैं? आओ दिखाता हूँ मैं। तो जामनगर के महाराज के पास जो गोल्फ कार्ट थी, और वो जब लेके जब घूमते थे अपने गाँव के अंदर या सिटी के अंदर, तब हमारे एक खेडूत भाई जो थे जगजीवन चंद्रा जी, उन्होंने उसको देखी। उन्हें वो गोल्फ कार्ट से ऐसी प्रेरणा मिली कि इसी गोल्फ कार्ट का आधा भाग और मेरी बुलेट की आगड़ की जगह, इस दोनों को मैं कैसे जोड़ दूं ताकि मैं अपने खेडूत भाइयों के लिए मेरी बहुत सारी समस्या को उनसे हल कर सकूं। उन्होंने अपने मोटरसाइकिल की 3.5 हॉर्स पावर की जो मशीन थी और ट्रैक्टर की जो ट्रॉली थी, वो ट्रॉली लगा के एक छोटी सी ऐसी एक चीज बनाई जिसको आज हम चकड़ा समझ के यूज कर रहे हैं। तो आगे बुलेट है, पीछे ट्रैक्टर। यस। जुगाड़ हो तो ऐसा। और ये सीट कितना मोटा क्यों है? वाओ, बहुत कंफर्टेबल भी बनाते हो। हाँ, पुराने बुलेट में जो सीट आती थी ना वही ये। अच्छा, वाओ। ये
इधर हमारा ये पूरा झगड़ा रिक्शा कंप्लीट है अभी जो आप देख रहे हो। ये सब तैयार है, एकदम रेडी है। वाओ, एकदम मस्त लागे। थैंक यू, दिस इज इंस्पायरिंग। आई फील लाइक मैं भी घर जाकर कुछ इन्वेंट करूं। गोपाल भाई, मेरे लिए एक चकड़ा बनाएंगे क्या? आप चला पाओगे? भाई मुझे गोरे समझकर अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। यहां से चलाकर सीधा मुंबई ले जा सकता हूं इसको, लेकिन अभी मेरा इंतजार कर रहा है और एक जुगाड़। गुड, तो चलिए दूसरे जुगाड़ की ओर। बाय। चकड़े की तो सवारी और जानकारी हो गई, अब बारी है दूसरे जुगाड़ की, जो कि मिट्टी से बनता है और सब कुछ कूल रखता है। वाओ, ऐसा लग रहा है कि अलादीन की गुफे में आ गया हूं। इंडिया में आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां 24/7 बिजली नहीं मिलती, और इन जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए वरदान है ये अगला जुगाड़ मिट्टी कूल, एक ऐसा फ्रिज जो मिट्टी से बनता है और बिना बिजली के, बिना झंझट के चकाचक पानी ठंडा रखता है। दूध फटना का तो सवाल ही नहीं है अंकल जी। Amazing, no? So let's find out more about Mittikool and the man behind it, Mansukh Bhai Prajapati. Mansukh Bhai. Oh, namaste. Namaste. Kaise ho? Bas, badhiya. आप कैसे हो? बस मजा मा। ये है मनसुख भाई, द ग्रेट, वही जीनियस जिन्होंने मिट्टी कूल बनाया। मनसुख भाई, आप सच में ग्रेट हो। बताइए कैसे बनाया मिट्टी का फ्रिज, आपने क्या सोचा था? हाँ, ये है मिट्टी का फ्रिज। ये मिट्टी का पक्का फ्रिज है और ये कच्चा बना रहे हैं। गुजरात में जब 2001 में अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से सारे मटके टूट गया, तो कोई अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि गरीबों का एक सपना होता है कि इसके घर में फ्रिज है तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रिज लेने के उसके पास पैसा नहीं होता है। अगर फ्रिज ले लिया तो बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं होता है, इसलिए हमने ये बनाया मिट्टी का फ्रिज, मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर। अच्छा, इसमें ऊपर पानी भरेंगे, पानी टैप से पियेंगे, सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक फ्रेश रहते हैं। बिना बिजली चलता है? यस। तो सिर्फ पानी से ठंडा रहता है? हाँ, इसमें पानी भरेंगे और ये पानी यहाँ से पोरोसिटी की वजह से अंदर दीवार ठंडी होती है, जब कुदरती हवा या फैन की हवा मिलेंगे तो अंदर का टेम्परेचर 10 डिग्री कम हो जाता है। ये सिर्फ पानी और सब्जियाँ के लिए भी ऐसा नहीं है, बहुत लोग जो गरीब लोग होता है ना, जो डायबिटिक के लोग होता है, इसको डेली इंसुलिन लेना पड़ता है, वो इंसुलिन रखने के लिए भी काम आता है। अरे तो इस पे इतना विश्वास रख सकता है कि दवाई भी रह सकता है इसमें? यस। इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी चीज बनाई है। अच्छा? यस, जैसे कि मिट्टी का वाटर फिल्टर, मिट्टी का नॉनस्टिक तवा, कुकर और सारी किचनवेयर प्रोडक्ट बनाई है। मेन चीज लेकिन यही है, लेकिन ये हमारा मेन चीज है जिसकी वजह से मेरा नाम आज मिट्टी कूल दुनिया में ये फेमस हो गया है। कमाल की चीज है। थैंक यू। सिर्फ इस जुगाड़ के नाम में ही कूल नहीं है, इट इज रियली कूल। इनफैक्ट एक उठा के घर ले जाता हूं, लाइट बिल कम हो जाता है, मैं भी खुश, वाइफ भी खुश। अरे काफी भारी है, ठीक है ये चलेगा। हाँ मस्त है। नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन सोच के या तो ज़रूरत के हिसाब से जुगाड़ हो रहा है या तो कोई शोध हो रही है, ऐसे हम सोचते हैं, ज़्यादातर सही है बात, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे मानना यह है कि काफ़ी लोग जो है बाय बर्थ थोड़े से विजनरी होते हैं,
तो ये हिसाब से भी वो लोग इन्वेंशंस करते रहते हैं, या तो कोई जो बनी बनाई चीज़ है उसको एक ट्रेंड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से एक इनोवेटिव अप्रोच लेके उत्तरोत्तर उनमें फ़र्क करते रहते हैं. तो दिस इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ इंस्पिरेशन एंड पैशन. हेलो, कैसे हो भाई? वेलकम वेलकम सर. देवियों और सज्जनों, ये है अहमदाबाद के सबसे बड़े जुगाड़ू आकुल रावल जी. आकुल भाई अलग अलग टाइप्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम फ्रॉम स्क्रैप, यानी कि भंगार से, रद्दी से. नाउ मैंने बहुत सारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, लेकिन कबाड़ी से बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैंने कभी नहीं देखे. तो आकुल जी, How? Where? Why? Show me where. चलिए देखते हैं वो इंस्ट्रूमेंट. चलिए. हमारे प्राचीनतम संगीत के वाद्य जो मानव संस्कृति में दर्ज हुए हैं, वे ताल वाद्य हैं. ये ताल वाद्य पत्थरों और शिलाओं से बनाए गए थे. आगे चलकर और भी जो वाद्य बनाए गए, उनमें भी विविध चीज वस्तुओं का प्रयोग किया गया, जैसे कि वीणा और सितार को बनाने में कद्दू का उपयोग किया गया, बांस का उपयोग करके बांसुरी को बनाया गया. आज भी इस तरह की कई नई प्रयुक्तियां और जुगाड़ हमें देखने को मिल सकते हैं. ये एक ड्रम है, पेंट ड्रम का कैन है, उसमें से जेम्बे बनाया है हमने. नाइस, बिल्कुल जेम्बे जैसा आवाज आ रही है. हाँ, cool. और क्या क्या है दिखाइए. ये है बॉटल कॉइन शेकर्स. वाह, ब्यूटीफुल साउंड. लेकिन बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ा आपको. नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स तो इतना नहीं पीते हैं, पर कबाड़ी से लाके आए हैं. अरे, गोल्ड स्पार्क कहाँ से आया? कभी बनाया ये? मतलब बंद हो गया है गोल्ड स्पार्क. काफी कीमती होगी. अमेजिंग. और ये क्या है? ये क्रैकर्स है, उसको इंडियन नाम दिया हमने, ढक्कन क्रैकर्स. ये बहुत अच्छे इफेक्ट परकशन है. हाँ, जैसे बहुत लोग थाली बजा रहे हैं ऐसा. नाइस. ये है कोकोनट शेकर्स है, इसको कोकोनट शेल्स में से बनाया हमने. ये भी बहुत अच्छी आवाज है. अच्छी जुगलबंदी हो रही है ना. ये अपने पीवीसी की पाइप्स होती है, उसमें से डिफरेंट शेकर्स बनाए. ये क्या? ये जो कंप्यूटर की कार्ट्रेज होती है जो खत्म हो जाती है. कंप्यूटर इंक कार्ट्रेज? इंक कार्ट्रेज. क्या बात कर रहे हो. शेकर्स बनाए उससे. नाइस. ये रेन स्टिक है, जैसे आप देखोगे अंदर कि टूथपिक है. वाह. और उसके अंदर वो मंकी दाल और वो सब सीरियल्स डाले हैं. ओके. और इट क्रिएट्स द साउंड ऑफ रेन. अच्छा. नाइस. सो रियलिस्टिक. लवली. और क्या क्या है? ये ज़ाइलोफोन जैसा बना है. और ये जो पंखे के ऊपर का जो होता है रॉड, उसमें से ज़ाइलोफोन बना. वेरी नाइस. और ये अपने रैली स्प्रे की जो बॉटल होती है, हाँ, उसको फुट पैडल बना दी, उसको फेंके. कूल. दिस इज ऑल सो कूल. एंड योर नेम्स आर कूल. तो अकुल भाई, वो एक मन में कैसे आ गया ये सब? कितना सब बनाया, लेकिन वो हाउ डिड यू थिंक ऑफ इट फर्स्ट? इंस्पिरेशन है मेरे आर डी बर्मन जी.
बचपन से मैं हरडी वर्मन जी का बहुत बड़ा फैन था और उन्होंने बहुत इनोवेशंस किए हैं 80s में रिदम्स को लेके। मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नए साउंड्स क्रिएट कर सकूं। तो जहां भी कुछ ऐसी अच्छी चीज़ दिखती थी तो हम सोचते थे कि चलो इसमें से कुछ कैसे क्रिएट किया जाए। ऐसे क्रिएट करते करते आज 95 इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गए हैं। मतलब सेंचुरी के लिए बस 5 बाकी है। जी हाँ। अकुल भाई, इट वाज ग्रेट टू सी यू अगेन। थैंक यू। सेम हियर। थैंक यू। इंस्पिरेशन स्कोर 100%। थैंक यू। एक ऐसा देश जहां लोग बहुत ज्यादा हैं और रिसोर्सेज शायद थोड़े कम। जिंदगी का दूसरा नाम है यहाँ जुगाड़। जहां जाता हूँ मुझे दिखता है जुगाड़। कहीं मुंबई के दो स्टूडेंट्स बना रहे हैं नारियल के शेल से पूरे पूरे घर, तो कहीं केरला की स्टूडेंट ने इन्वेंट करी साइकिल पावर्ड वॉशिंग मशीन। एक एनजीओ ने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाया स्कूल के बच्चों के लिए डेस्क। जुगाड़ के भाइयों के बिना इस देश की गाड़ी शायद थम ही जाए। अब अपने इंडिपीडिया की पायों पर सवार, मैं जोड़ रहा हूं भारत की कोने कोने से कहानियां। आप बस मेरे साथ चलते रहिए और कहानियां सुनते रहिए। जय श्री कृष्ण। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.